खबर राजधानी लखनऊ से। मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कनेरी में बने आश्रय केंद्र के सभी पशुओं को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जानवरों को चराने जाया जाता है, जिससे आश्रय केंद्र के सभी पशु स्वस्थ रहते हैं और शाम को आश्रय केंद्र में आने के बाद उन्हें भूसा व हरा चारा दिया जाता है, जिससे सभी पशु स्वस्थ रहते हैं। भारत टीवी जब आश्रय केंद्र पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद पशु कार्यकर्ताओं से बात करने पर पता चला कि यहां पर पशु बीमार बहुत कम होते हैं। वहीं ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार वर्मा ने बताया कि पशुओं के लिए आश्रय केंद्र की व्यवस्था लगातार देखभाल करते रहते हैं व उन्हें चरने के लिए दैनिक भेजा जाता है, जिसके कारण हमारे आश्रय केंद्र में जितने भी जानवर हैं हमेशा स्वस्थ रहते हैं। ग्राम सचिव केपी सिंह ने बताया कि पशु आश्रय केंद्र के प्रति अधिक ध्यान दिया जा रहा है इस समय, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य सही रहता है। पशुओं की देखरेख करने वाले मनसाराम ने बताया, आश्रय केंद्र में लगभग 200 के ऊपर पशु हैं, जिन्हें सुबह 10 बजे के बाद गांव के बाहर ले जाकर चराया जाता है। वहां पर सभी जानवर चलने की वजह से हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने बताया कि हम अपील करते हैं, जैसे कनेरी ग्राम पंचायत के पशु आश्रय केंद्र में जानवरों को चराने जाया जाता है, उसी तरह मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी आश्रय केंद्रों में जानवरों को बाहर ले जाकर चराना चाहिए, जिससे सभी पशु स्वस्थ रहेंगे। भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र ग्राम पंचायत कनेरी गांव, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि यहां पर आश्रय केंद्र में चलन खड़े हैं। आश्रय केंद्र में आप यहां पर विस्तार से आपको ये बताएंगे कि यहां पर जितने भी जानवर हैं यहां पर जो है सुबह से लेकर शाम तक चरने जाते हैं, उसके बाद शाम को यहां पर चारा लगा हुआ है, आराम से आकर चारा खाते हैं। इसके लिए हम जानकारी लेते हैं ग्राम प्रधान से कि क्या मामला है। प्रधान आपकी गाँव ग्राम पंचायत कनेरी अच्छा ये बताइए कि यहाँ गौ आश्रय केंद्र जो बना हुआ है यहाँ पर, तो लगभग कितने जानवर हैं? 203 जानवर। 203 जानवर है। अच्छा ये बताइए कि ये सुबह कितने बजे जाते हैं चरने के लिए? सुबह 10 बजे निकल जाते हैं। चराने के लिए कौन कौन ले जाता है इनको? यहाँ चौकीदार है, चौकीदार जिनकी ड्यूटी है डे नाइट वो ले जाते हैं, अलग से जिनकी डे नाइट ड्यूटी है जानवर जाते हैं चरने के लिए। तो ये गांव बाहर एक 25 बीघे का एक फार्म ले रखा है, ले रखा है, वहीं पर जाते हैं चरने। अच्छा उसके बाद जब वहाँ से आते हैं तो यहाँ पर शाम को तो उनके खाने के लिए चारे के लिए क्या इंतजाम है? भूसा है जैसे आप बता सकते हैं, ये है। और उसके बाद जो गाय गाभिन है जो बच्चा देने वाली है उसको जो है पशुहार भी। तो यहाँ पर गाय कितनी है? जैसे कि गाय है 75। 75 गाय है? 75। अच्छा तो वो बहुत सारी ऐसी होंगी जो है? हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चा देने वाली है। तीन देखो सामने आपके हैं, तीन बच्चा दे चुकी है। अच्छा यहाँ पर कब से ये मामला शुरू है कि जो है यहाँ पर जो चरने जाते हैं? कितने महीने? ये मई से, मई जब से मैं पंचायत का चार। पशुओं के लिए यहाँ पर जैसे सामग्री आती है खाने पीने के लिए, तो ऐसे में तो जो दिन में चरने जाते हैं अगर, तो वो बचत में भी तो हो सकता है? नहीं, बचत में क्या, बचत में इसमें तो चारा ही नहीं तो हरा। आपका नाम? मनसाराम। मनसाराम जी किस गांव से हैं? कनेरी से। ये गौ आश्रय केंद्र जो बना हुआ है कनेरी गाँव में बना हुआ है। हाँ। अच्छा ये बताइए यहाँ पर कितने पशु हैं? पशु 200 से ऊपर हैं। 200 से ऊपर हैं। अच्छा यहाँ पर हमें सूचना मिली है कि जो पशु जितने भी हैं उनको सुबह जो है चराने ले जाया जाता है। हाँ। कैसे, क्या मामला है? ये चरने जाते हैं मैदान चरने जाते हैं। हाँ। कितने बजे सुबह खुलते हैं ये? सुबह 9-10 के बीच में खुल जाते हैं। और कितने बजे आते हैं वापस? 5 के बाद आते हैं, 5:15 बजे वापस आ जाते हैं चरने के लिए। अच्छा वहाँ से जब चरकर आते हैं तो यहाँ पर उनके चारे की व्यवस्था क्या है? भूसा भरा दिया जाता है नांगल में। भूसा भरा दिया जाता है। अच्छा अगर चरने जाते हैं जानवर तो उनको जो है स्वस्थ भी रहते होंगे? बढ़िया स्वस्थ रहते, बढ़िया कूदते हुए दौड़ते चले आते हैं। अच्छा आपके वहाँ जो पशु हैं ये क्या बीमार नहीं होते हैं? बीमार बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं, बहुत कम। अच्छा ये सुबह खोल दिया जाता है इनको? हाँ शाम को आते हैं। आते हैं शाम को। अच्छा सचिव आपके वहाँ आते हैं क्या? हाँ आते हैं, बराबर देखने आते हैं? बराबर आते हैं। अच्छा ये जो
जानवरों को चराने वाला सिस्टम किया गया है तो ये प्रधान द्वारा किया गया है क्या? प्रधान द्वारा इनको चराया जाता है। अच्छा, इसलिए बीमार भी नहीं पड़ते हैं? इसलिए बीमार नहीं पड़ते। अच्छा, दूसरे पशु आश्रय केंद्रों में ऐसा नहीं होता तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अब उनके लिए क्या कहें, उनको भी यही कहेंगे कि उनको भी टहलाने के लिए खोलिए। अच्छा, ये जो जानवर चरने जाते हैं पशु, तो इनसे क्या होता है, ये स्वस्थ किस लिए रहते हैं? तो इनका खून टहलता है, जैसे अब चरने गए तो जो दौड़ रहे हैं इधर उधर तो खून टहलता हुआ है, तो इसलिए स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो है दूसरे गौ आश्रय केंद्र में क्या होना चाहिए ऐसा? यही दिन ऐसा होना चाहिए कि सब हालात खुलने चाहिए ताकि जो है स्वस्थ रहे सब। स्वस्थ रहें।